प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। देखो हमारे 11 लेसन कंप्लीट हो गए हैं। 12 लेसन है विराम चिन्ह, ठीक है। विराम मतलब रुकना, चिन्ह मतलब संकेत, यानी कि जो चिन्ह हमें जो चिन्ह दिया होते हैं जिस शब्द के बीच में वाक्य के बीच में जो चिन्ह होते हैं जो हमें रुकने का इशारा करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं, ठीक है। यानी कि आम भाषा में इसको ऐसे ही कहें, यानी कि विराम होता है रुकना, चिन्ह मतलब संकेत है। रुकने का जो संकेत देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं। लेकिन इसकी डेफिनेशन है वो कुछ और लिखनी है आपको। आगे देखो हम लेसन पढ़ेंगे। विराम का अर्थ है रुकना। अपनी बात को ठीक ढंग से कहने या समझने के लिए हम बीच बीच में रुकते हैं, इसे विराम कहते हैं, ठीक है। लिखते समय विराम को दिखाने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उन्हीं चिन्हों को हम क्या कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं, ठीक है। यानी कि इसकी सही डेफिनेशन क्या होगी, सही डेफिनेशन ये होगी बेटा कि वाक्य के बीच में या फिर अपनी बात को सही ढंग से व्यक्त करने के लिए हम जिन चिन्हों का उपयोग करते हैं वो क्या होते हैं, विराम चिन्ह होते हैं, ठीक है। अब देखो ये हमें एक एग्जांपल दे रखा है, इसमें कुछ विराम चिन्ह हैं वो नहीं दे रखे हैं और उसको इस बात को हम सही ढंग से बताने के लिए क्या करेंगे, विराम चिन्हों का प्रयोग करेंगे। देखो मान्या तान्या और विभा पार्क में खेल रही थी, पार्क में अनेक फूल लगे थे, उन्हें देखकर विभा चहक उठी, आह कितना सुंदर फूल है। तभी मान्या ने पूछा कल हम क्या खेलेंगे। यानी कि ऐसे हम पढ़ रहे हैं तो ये क्या हो गया, एक राग की तरह हो गया, यानी कि गीत की जो लय होती है उसी तरह हम पढ़ रहे हैं, यानी कि इसमें कुछ सेंस नहीं निकल रहा है बात का, ठीक। अब इसको हम सही ढंग से व्यक्त करने के लिए दोबारा से विराम चिन्हों का प्रयोग करके इसको लिखेंगे। देखो मान्या तान्या और विभा पार्क में खेल रही थी, पार्क में अनेक फूल लगे थे, उन्हें देखकर विभा चहक उठी, आह कितना सुंदर फूल है। तभी मान्या ने पूछा कल हम क्या खेलेंगे। यानी कि क्या बताया है, तान्या मान्या दो देर के हैं, तो दो लड़कियां हैं वो क्या हैं, खेल रही हैं। लेकिन हम तान्या मान्या बोलेंगे तो क्या हो गया, तान्या मान्या एक ही नाम हो गया, हम इसको कैसे बोलेंगे, बीच में इसका थोड़ा सा हम अर्धविराम का यूज करेंगे यहाँ पे। मान्या तान्या यानी कि थोड़ा सा रुकने के लिए, हमें अलग अलग बताने के लिए, तो हम क्या करते हैं उनमें विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो विराम चिन्ह क्या होते हैं, अपनी बात को सही ढंग से व्यक्त करने के लिए वाक्य के बीच में जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। आपने ध्यान दिया कि पहले अनुच्छेद में विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए बात ठीक ढंग से समझ में नहीं आ रही है। दूसरे अनुच्छेद में विराम चिन्हों का प्रयोग करने से बात ठीक ढंग से समझ में आ रही है, यानी कि सही व्यक्त हो गई है बात के सामने वाला कहना क्या चाहता है। आगे देखो इसमें डेफिनेशन दे रखे, पढ़ते या लिखते समय वाक्य में रुकने के लिए लगाए गए चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्हों के प्रकार, ठीक है। तो विराम चिन्ह वैसे तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन हमारे क्लास के लेवल के हिसाब से हमें यहाँ पर चार ही विराम चिन्ह दे रखे हैं, ठीक है। देखो विराम चिन्ह कई प्रकार के होते हैं, इस कक्षा में हम केवल चार विराम चिन्हों का ही प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। पहला है पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक, ठीक है। चार कौन कौन से प्रकार पढ़ेंगे हम, पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक चिन्ह। देखो पहला है पूर्ण विराम, वाक्य पूरा होने पर पूर्ण विराम लगाते हैं, यानी कि हमारा वाक्य है या फिर हमारी बात पूरी हो जाती है तो उस टाइम पर हम क्या लगाते हैं, पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे मुझे खेलना बहुत अच्छा लगता है, तो यानी कि हमारी बात है वो पूरी हो गई कि हमें खेलना बहुत अच्छा लगता है, हम खेलेंगे भाई। आगे है सचिन तेंदुलकर मेरा हीरो है, तो बात पूरी हो गई, पूर्ण विराम का प्रयोग हुआ। दूसरा है अल्प विराम, पढ़ते या लिखते समय हम जहाँ थोड़ी देर के लिए रुकते हैं वहाँ अल्प विराम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अल्प विराम होता है एक छोटा सा जो कोमा लगाते हैं उसको, आम भाषा में क्या बोलते हैं, इसको कोमा बोलते हैं। देखो सीता मीता और शिबू मेरी दोस्त हैं, यानी कि सीता मीता बोलते तो क्या होता है ये, अच्छा नहीं लगता, लेकिन सीता मीता थोड़ा सा हमने रुका है यहाँ पे, हमने थोड़े विराम लिया है तो यहाँ पर विराम चिन्ह का प्रयोग हो गया है, ठीक है। आगे है शेर हाथी
भालू और जिराफ को भी देखो, यानी कि शेर, हाथी, भालू, जिराफ बोलते तो ये अच्छा नहीं लगता। हमने क्या है, थोड़ा थोड़ा विराम लेके, हमने अल्प विराम का प्रयोग करके क्या किया है, इस वाक्य को पूरा किया है। तो दो हमारे कंप्लीट हो गए। देखो पूर्ण विराम होता है, वाक्य के पूर्ण होने पर हम पूर्ण विराम लगाते हैं, यानी कि हमारा वाक्य पूरा हो जाता है या फिर हमारी बात पूरी हो जाती है वहाँ पर हम पूर्ण विराम लगाते हैं, ठीक है। अल्प विराम होता है जहाँ हमें थोड़ी देर के लिए रुकना हो, यानी कि दो तीन चीज़ों का संबंध एक साथ बता रहे हैं हम, वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, अल्प विराम लगाएंगे। फिर है प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक से ही स्पष्ट हो रहा है कि प्रश्न पूछने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं वो क्या होता है, प्रश्नवाचक होता है। आगे देखो, प्रश्न लिखते समय वाक्य के अंत में इस चिन्ह का प्रयोग होता है, ठीक है, यानी कि प्रश्न लिखते समय या पूछते समय, पूछेंगे तो हम क्या है, प्रश्नवाचक हम दर्शा नहीं सकते, भाई हम मौखिक पूछ रहे हैं, लेकिन हम लिखेंगे उस टाइम पर हम दर्शा सकते हैं। जैसे तुम्हारा क्या नाम है, तो लास्ट में क्या लगाया हमने, प्रश्नवाचक लगा दिया। मेरा नाम सीमा है, तो इसने आंसर बता दिया तो वाक्य पूरा हो गया, तो हमने क्या लगाया, पूर्ण विराम लगा दिया। तितली फूलों से क्या चूसती है, ठीक है, तो प्रश्न पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तितली फूलों से रस चूसती है, वाक्य पूरा हो गया, पूर्ण विराम लगा दिया। आगे देखो, विस्मयादि बोधक चिन्ह, विस्मयादि घृणा, शोक, हर्ष और आश्चर्य का भाव दर्शाने वाले शब्दों वाले वाक्यों में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, यानी कि विस्मय का भाव हमें, आश्चर्य का भाव हमें वहाँ पर दर्शाया जाता है, वहाँ पर क्या होता है, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है, ठीक है। अब देखो विस्मयादि बोधक चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है कि ऐसे हम लगाएंगे। देखो शुरुआत में हम विस्मय शब्द बोलेंगे, आहा कितना सुंदर फूल है, तो हमने क्या लगा दिया, आहा के बाद में क्या लगाया है, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया है। शाबाश, तुमने तो कमाल कर दिया, तो शाबाशी दे रहे हैं, ठीक है। शोक हो, घृणा हो, खुशी हो, दुख हो, तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे कंप्लीट हो गए, कितने प्रकार के विराम चिन्ह पढ़े हमने, चार प्रकार के, पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक, ठीक है। पूर्ण विराम लगाते हैं वाक्य का पूरा होने के बाद में, ठीक है, यानी कि हमारी बात पूरी हो जाती है तब हम क्या लगाएंगे, पूर्ण विराम चिन्ह लगाएंगे। अल्प विराम जहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं वहाँ पर क्या करेंगे, हम अल्प विराम लगाएंगे। प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक यानी कि प्रश्न पूछने के समय या प्रश्न लिखते समय हम वाक्य के अंत में क्या लगाएंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। विस्मय बोधक चिन्ह कब लगाएंगे, जब हमें विस्मय का भाव, आश्चर्य का भाव प्रकट हो तब हम क्या लगाएंगे, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो हमारा लेसन है वो कंप्लीट हो गया है। अब आगे देखो, इसके क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, ये कर लेते हैं हम एक बार, पाठ दोहराते हैं। रुकने का भाव बताने वाले विराम चिन्ह, रुकने का भाव बताने के लिए विराम चिन्ह लगाए जाते हैं भाई, ठीक है। विराम चिन्ह का प्रयोग करने में भाषा को समझने में आसानी हो जाती है। विराम चिन्ह के प्रकार हैं वो चार प्रकार पढ़े हमने, पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन, थोड़ी देर रुकने पर कौन सा विराम चिन्ह लगाते हैं, तो थोड़ी देर रुकने पर कौन सा लगाएंगे, अल्प विराम लगाते हैं। वाक्य के समाप्त होने पर आप कौन सा विराम चिन्ह लगाएंगे, वाक्य समाप्त होता है तो क्या लगाएंगे, पूर्ण विराम लगाएंगे। प्रश्न पूछने के लिए कौन सा लगाएंगे, हम प्रश्नवाचक के ऊपर राइट कर देंगे। हर्ष प्रकट करने के लिए, हर्ष, शोक, विस्मय कौन सा लगाएंगे, विस्मय बोधक चिन्ह लगाएंगे। वाक्य के समाप्त होने पर कौन सा लगाएंगे, पूर्ण विराम लगाएंगे। थोड़ा रुकने के लिए अल्प विराम। आगे देखो, दिए गए वाक्यों में विराम चिन्ह लगाना भूल गए हैं, आप सही जगह पर विराम चिन्ह लगाकर दोबारा लिखो। तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ हो गया, तो यानी कि प्रश्न पूछ रहा है यहाँ पर, कहाँ जा रहे हो, तो प्रश्नवाचक इसके अंत में लग जाएगा। हाय कितना बड़ा सांप है, हाय विस्मय हो गया यहाँ पे, तो हाय के बाद में क्या लगाएंगे, विस्मयादि बोधक चिन्ह, कितना बड़ा सांप है, पूर्ण विराम। एक दिन वहाँ एक कौवा आया, तो क्या हो गया यहाँ पे, पूर्ण विराम हो गया। स्नेहा, संदीप और केशव भाई बहन हैं, स्नेहा अल्प विराम, संदीप और केशव भाई बहन हैं, पूर्ण विराम, ठीक है। अरे तुम्हें चोट कैसे लगी, अरे विस्मयादि बोधक, चोट कैसे लगी, पूर्ण विराम, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ये लेसन आपको याद करने हैं और क्वेश्चन आंसर आपको राइट करने। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।